ये बात है कोकण की। कोकण के श्रीवर्धन गांव में रहने वाले भट्ट और भानु घराने में काफी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। भानु गांव के वतनदार थे और भट्ट श्रीवर्धन के देशमुख। बालाजी भट्ट जब पेशवा बने तो उन्होंने और उनके वंशज ने भानु परिवार को फडणवीस की जिम्मेदारी सौंप दी। सबसे पहले फडणवीस थे बालाजी महाजी भानु और उनके पोते थे बालाजी जनार्दन भानु, जिन्हें नाना भी कहा जाता था। नाना का जन्म सतारा में 12 फरवरी सन 1742 में हुआ। तब बालाजी बाजीराव पेशवा थे। विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव और नाना सब साथ में सदाशिव भाव की देखरेख में पढ़ते थे। उस समय की पढ़ाई में ज्यादातर जोर अच्छी लिखावट और हिसाब किताब पर दिया जाता था। इसी के साथ रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाना और राजनीति के पाठ पढ़ाना ये सब भी रहता था। लश्करी शिक्षा में घुड़सवारी, तलवारबाजी, बंदूक चलाना, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कुश्ती, ये कसरतें सख्ती से करनी पड़ती थी। नाना शारीरिक रूप से कमजोर थे। उनका ज्यादातर ध्यान पढ़ने लिखने और हिसाब किताब में रहता था। सदाशिव भाव के साथ रहकर उन्होंने दरबार के कामकाज को देखना और हिसाब किताब करना सीखा। सन 1756 में नाना के पिताजी के निधन के बाद पेशवाई की फडणवीसी नाना को मिली। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से वे 14 साल की उम्र में ही फडणवीस बने। फडणवीस का काम होता था राज्य का हिसाब किताब देखना। उस जमाने के अर्थ मंत्री को फडणवीस कहते थे। 1761 में हुई पानीपत की लड़ाई से अपनी जान बचाकर कठिन हालातों का सामना करके नाना फडणवीस ने पानीपत की खबर पेशवा को बताई। नाना साहेब पेशवा के गुजर जाने के बाद नाना फडणवीस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। थोरले माधवराव पेशवा ने मराठी सत्ता को फिर से मजबूत किया, जिसमें नाना फडणवीस का भी बड़ा हाथ था। पेशवा थोरले माधवराव क्षय रोग से अल्पकाल में ही चल बसे। तब नारायण राव पेशवा बने। सन 1773 में पेशवा नारायण राव का खून हो गया। उस समय नारायण राव की पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी। तब नाना फडणवीस और उनके 12 साथियों ने उन्हें पुरंदर किले पर सुरक्षित रखा और इन्हीं 12 साथियों ने राज्य को संभाला। इन 12 लोगों को 12 भाई कहा जाता था। इनमें 12 राजनीयक थे: सखाराम बोकिल, नाना फडणवीस, हरिपंत फड़के, नारो अप्पाजी तुलसी बागवाले, महाजी शिंदे, तुकोजी होलकर, भावनाथ प्रतिनिधि, मालोजी घोरपड़े, पापूजी नाइक, परशुराम पटवर्धन, गोविंद राव खासगी वाले और व्यंकट राव पेठे। 18 अप्रैल सन 1774 को नारायण राव और उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति हुई और वो पुत्र थे सवाई माधवराव, जो अपने आयु के 40वें दिन में ही पेशवा बने। उस समय 12 भाई राज्य का कार्यभार देखते थे। सवाई माधवराव की पढ़ाई की जिम्मेदारी नाना फडणवीस ने ली और फिर सवाई माधवराव ने नाना की मदद से पेशवाई को आगे बढ़ाया। नाना फडणवीस ने अपने जीवन काल में कई इमारतें बनवाई। इनमें से पुणे और वाई में स्थित नानावाड़ा और पुणे का विष्णु मंदिर प्रसिद्ध है। उन्होंने पेशवा माधवराव के काल में शनिवारवाड़े में भी कुछ बदलाव किए। 12 भाई के साथ नाना पेशवाओं के 3.5 शहाने में भी गिने जाते थे। 13 मार्च सन 1800 को इस चतुर और बुद्धिमान राजनीयक ने अंतिम सांस ली। अपनी चपल बुद्धि का प्रयोग उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में किया। उनके काल में एक मुहावरा प्रसिद्ध था: जब तक नाना तब तक पूना।